हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कैफ। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे आईबीपीएस क्लर्क एंड पीओ के जो मेंस का टॉपिक है, एक उसको बोलते हैं मैट्रिक्स बेस्ड पजल। तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि उसे कम समय में आप कैसे कर सकते हैं। एंड ये जो क्वेश्चन है ये मैंने प्रैक्टिस मॉक से लिया है, एंड इसी सिमिलर टाइप के क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है वो आप प्रैक्टिस मॉक की साइट पे जाके कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एंड इस क्वेश्चन का जो फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगी। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, एक मैट्रिक्स बेस्ड पजल हो गई, दूसरा आपका हो गया मशीन इनपुट, तो दो क्वेश्चन के लिए मैं हमेशा यही बोलती हूँ। देखो, मेंस में 40 में से 40 कोई नहीं करता अगर वो पीओ का है। ओके, मैं क्लर्क की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आरआरबी क्लर्क में लोग आराम से 39-38 भी कराते हैं अगर इजी लेवल आता है तो। ओके, यह मैं बात कर रही हूँ पीओ की। तो पीओ में कोई भी 40 out of 40 नहीं करता। तो मैं आपसे बस ये कहना चाहूंगी कि इस पे समय आप सिर्फ उतना ही दें जितना आपको लगे। जैसे कि अगर आपको लगता है कि आपको इसका लॉजिक समझ आ गया है, मतलब जैसे कि आप एक टाइम सेट कर लीजिए कि मुझे इस क्वेश्चन को 5 मिनट का टाइम देना है। ओके, आपने 5 मिनट का टाइम दिया, बट अगर आपको लॉजिक समझ नहीं आया तो आप इसे स्किप कर दीजिए, एंड इसके अलावा जो क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व करिए। और वैसे मैं अगर आपको बिल्कुल सही सजेशन दूँ तो वो ये है, अब तो सेक्शनल टाइमिंग होती है आपकी मेंस में, ओके, आईबीपीएस में, तो आप क्या करें, इसको बिल्कुल छोड़ दें, आप बाकी सारा निपटा लें। ओके, उसके बाद आप इसके लिए थोड़ा टाइम बचा के रखें, 5 से 6 मिनट, और एंड में इसे सॉल्व करें। एंड में इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये होगा, एक तो कि मैं ऑलरेडी जो अटेम्प्ट है गुड अटेम्प्ट मैं कर चुका हूँ। ओके, अब मेरे जो 5 से 6 मिनट बचे हैं, अगर इसमें इसका लॉजिक मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आपका माइंड थोड़ा सा उस समय सेट होगा। लेकिन अगर आप इसे पहले लेके बैठ जाएंगे तो आपको इसका लॉजिक जल्दी समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपको ये लगेगा कि मुझे इसका लॉजिक भी समझ नहीं आ रहा, इसका क्वेश्चन भी नहीं हो पा रहा है, अभी आगे और भी क्वेश्चन बचे हैं, टाइम भी निकलता जा रहा है ऑब्वियसली। ओके, तो जब इतनी सारी बातें मन में घूमेंगी ना तो लॉजिक बिल्कुल समझ नहीं आएगा। लॉजिक कब आएगा, जब आप बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे। तो रिलैक्स रहने के लिए मैं आपको बिल्कुल सही सजेशन ये दे रही हूँ, अगर आप इस पे एक ऐप ऐसा करिएगा, एक मॉक टेस्ट देख के देखिएगा और उस पे ये इम्प्लीमेंट करिएगा कि आप सारा कर लें, क्योंकि देखो पजल बन जाती है जो आपके जो लॉजिकल रीजनिंग होती है वो हो जाती है। ओके, उसके बाद ये वाला जो आपके क्वेश्चन होते हैं इसमें ये होता है, लॉजिक समझ आया तो आ जाता है, अगर नहीं आया तो आप कितनी भी देर लगा लो नहीं आता है लॉजिक। ओके, तो ऐसा इसमें चलता है मशीन इनपुट एंड इस क्वेश्चन में। तो बेटर है कि आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें, एंड ये मैंने बस एक तरीका बताया है कि मेंस में इसे कैसे अटेम्प्ट करना है। ओके, बाकी तो आप लोग जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपकी कमांड उस पर अच्छी है तो आप वैसे ही करें, अपने आप को चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम क्रैक करना है, पीएचडी नहीं करनी है। ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस मैं और भी डिस्कस कर दूंगी ताकि कुछ लॉजिक्स आपके माइंड में रहें। ओके, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं, स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम एंड कन्वर्ट इट इनटू अदर डायग्राम्स बाय इम्प्लीमेंटिंग द इंस्ट्रक्शंस व्हिच इज गिवन इन ईच स्टेप टू गेट नेक्स्ट स्टेप। तो आपको क्या करना है इसमें कि आपको स्टेप दिए गए हैं और उन स्टेप से आपको जो एक आपका डायग्राम है उसको अदर डायग्राम में कन्वर्ट करना है। तो काफ़ी हद तक आपको बताया गया है, उसके बाद आप लोगों को मतलब खुद से एक नया क्वेश्चन दे दिया जाएगा, जैसे कि मशीन इनपुट में होता है कि वो आपको लॉजिक बताते जाते हैं, एंड उसके बाद फिर आपको एक नया क्वेश्चन दिया जाता है, फिर आपको बताना होता है कि अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा या फिर उसका आंसर क्या होगा, जैसे कि मशीन इनपुट में होता है। तो यहाँ पे इन्होंने काफ़ी हिंट भी दी है, जब इसको ये चेंज कर रहे हैं यहाँ से यहाँ पे, तो इन्होंने स्टेप बता भी दिया है कि इन्होंने कैसे चेंज करा है। सो जब इन्होंने इस वाले बॉक्स को, ये आपका पहला बॉक्स है, और इसको सेकंड बॉक्स में कन्वर्ट करा है, तो किस स्टेप से करा है इन्होंने ये बताया है। तो ये क्या कह रहे हैं कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इन ईच बॉक्स आर एग्जीक्यूटेड एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 4। तो ये क्या करा है, इन्होंने सम करा है डिजिट का, और फिर वो क्या करा है, एक्सिक्यूट करा है एंड मल्टीप्लाई कर दिया है 4 से। तो अगर आप देखोगे तो 3 एंड 2 को प्लस करोगे तो कितना आएगा 5, एंड 5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 20। तो ये हो जाएगा 20E। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हो गया 20E। सेम 7 और 4 11, 11 की मल्टीप्लाई
आप 4 से करोगे कितना आ जाएगा, 44। 9 और 1 10, 10 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 40। 8 4 12, 12 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 48। 5 6 7 8, 8 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 32। 7 की मल्टीप्लाई अगर आप 4 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 28। एंड 3 और 3 6, 6 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 24। एंड 6 7 8 9, 9 की मल्टीप्लाई आप 4 से करोगे तो कितना हो जाएगा। स्टेप वन आपको समझ आ गया इजिली, मूव करते हैं सेकेंड स्टेप पे। ओके, ये आपका सेकेंड डायग्राम है, ये आपका फर्स्ट डायग्राम है। यहाँ पे ये मैंने दोबारा सेकेंड डायग्राम दिखाया है क्योंकि इस वाले डायग्राम से अब हम इस वाले डायग्राम की ओर मूव करेंगे। ओके, ये है आपका थर्ड डायग्राम। अब इस डायग्राम से ये इस डायग्राम की तरफ कैसे मूव कर रहे हैं ये इन्होंने स्टेप टू में बताया है। सो स्टेप टू में इन्होंने ये कह रखा है कि इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इन बॉक्स इज अ प्राइम नंबर, कि आपका जो सम है डिजिट का नंबर का वो अगर प्राइम नंबर आता है, सम यानी कि आपका जैसे कि 44 लिखा है तो 4 + 4 = 8, 4 और 8 लिखा है तो 4 + 8 = 12, ये होता है आपका सम ऑफ डिजिट्स। देन द पोजिशन ऑफ द अल्फाबेट इज एडेड टू द सम ऑफ डिजिट्स एंड रिप्लेस बाय द अल्फाबेट दैट पोजिशन एज पर इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कहने का मतलब यहाँ पे है कि आपका अगर यहाँ पे प्राइम नंबर आता है, अगर आप डिजिट्स को ऐड कर रहे हो, उनका सम कर रहे हो और आपका प्राइम नंबर आता है, तो आपको क्या करना है, जो आपकी अल्फाबेट है, जो आपकी अल्फाबेट की पोजिशन है, उसे आपको जो सम ऑफ डिजिट्स होगा उसमें ऐड कर देना है और फिर रिप्लेस कर देना है अल्फाबेट को उस पोजिशन से अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जैसे कि आप फर्स्ट वाले पे आ जाओ, 2 + 0 कितना हो गया आपका, 2, यानी कि प्राइम नंबर है। सो प्राइम नंबर है तो आप क्या करोगे, ई से अब आगे की ओर चलो और यहाँ पे कहाँ तक चलना है आपको, 2 स्टेप तक चलना है, मतलब जितना आपका यहाँ पे सम होगा उसके अकॉर्डिंग आपको उतना ही आगे बढ़ना है। मैं इसको दोबारा रिपीट करती हूँ कि अगर आपका प्राइम नंबर आता है तो आपको क्या करना है, उसको रिप्लेस करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग उतना ही ज़्यादा। जैसे कि आपका 2 + 0 कितना हो गया, यहाँ 2 इज अ प्राइम नंबर, देन आप ई से 2 स्टेप आगे बढ़ेंगे या फिर ई से 2 अल्फाबेट आगे बढ़ेंगे। सो ई से 2 अल्फाबेट आगे बढ़ोगे तो कितना हो जाएगा, एफ एन जी। सो यहाँ पर कितना आ गया आपका, जी। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अभी मैं इसी में का आपको एक दूसरा दूसरा जो आपका डिजिट है उसको दिखाती हूँ। तो आप ये वाला देखिए, 3 + 2 कितना हो गया आपका, 5। ओके, तो 5 है तो आप देखोगे 5 जो है वो प्राइम नंबर है। सो आई से अब आपको 5 स्टेप आगे बढ़ना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो कितना आएगा, आई के बाद क्या आता है, जी एच आई, फिर जे के एल एम एन एन, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, एन। ओके, तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद इन्होंने आगे भी कुछ दे रखा है, एक सेकेंड कंडीशन लगा रखी है कि इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इन अ बॉक्स इज नॉट अ प्राइम नंबर, अगर आप सम करते हो डिजिट्स का बॉक्स के नंबर में, अगर वो प्राइम नंबर नहीं होता है, देन अल्फाबेट इज रिप्लेस्ड विद एन अल्फाबेट अकरिंग एट ट्वाइस इट्स पोजिशन एज पर इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इन्होंने ये कहा है कि अगर आप सम करते हो डिजिट्स का, ओके, सम मतलब 4 और 4 8, अगर वो प्राइम नंबर नहीं होता है तो आप क्या करोगे, जो आपका अल्फाबेट है उसकी जो पोजीशन है उसको डबल कर दोगे, एंड डबल करने पे जो आपका अल्फाबेट आएगा उसको आप यहाँ पे लिखोगे। जैसे कि यहाँ पे 4 और 4 कितना हो गया, 8, 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर। देन जी की आपकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, सो जी की आपकी जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 7। ओके, तो 7 को आप डबल करो, 7 को डबल करो कितना हो गया, 14। तो आपको क्या करना है, 14 नंबर पे जो अल्फाबेट आता है वो आप जी की जगह लिखोगे। सो 14 नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आता है, वो आता है n। सेम आप देखो कि 4 + 0 कितना होगा आपका, 4। तो 4 + 0 आपका 4 होगा, 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। देन s की पोजीशन क्या होती है, सो s की पोजीशन होती है आपकी t की होती है 20, यस s की होती है 19। तो 19 को आप डबल करोगे कितना हो गया, 38। अब 38 नंबर पे क्या होगा, देखो आप कैसे काउंट करोगे इसको, इन्होंने अब आप पहले इनका ये देखो कि ये l कैसे लेकर आए। ओके, ये आप खुद से नहीं देखोगे, इनका लॉजिक देखो कि ये एस को एल कैसे लेके आए। एल की पोजीशन क्या होती है, एल की पोजीशन होती है 12, राइट। अब ये 38 हमें यहाँ पे काउंट करना है, मतलब 38 का जो नंबर है, 38 जो नंबर है उसके वैल्यू पर जो आपका अल्फाबेट आएगा वो हमें लिखना है, और इनके अकॉर्डिंग वो वैल्यू एल आनी चाहिए। एल की प्लेस वैल्यू होती है 32। तो इन्होंने लॉजिक क्या लगाया है कि अगर आप 38 में से 12 माइनस करोगे तो कितना हो गया, 26। यानी कि इन्होंने क्या करा है, 26 + 12 इन्होंने इसको डिवाइड कर दिया है कि 26 तक आपका जेड हो गया, उसके बाद जेड से आप दोबारा जितने भी नंबर बचेंगे उससे आप काउंटिंग को स्टार्ट करोगे या फिर अल्फाबेट्स को स्टार्ट करोगे। ओके, तो आपने क्या करा, 38 में से 26 माइनस करा, यानी कि आपने जेड तक पूरी अल्फाबेट
डिजिट की जो काउंटिंग है उसे कंप्लीट कर दिया, रेस्ट आपके कितने बचे, 12 बचे, तो 12 बचे तो 12 नंबर पे आपका कौन सा आता है, तो 12 नंबर पे आता है आपका एल, तो एल आपने यहाँ पे लिख दिया। ओके, देन 8 और 4 कितना होता है, तो 8 और 4 12, 12 इज नॉट अ प्राइम नंबर, देन ए की पोजीशन क्या होती है, 1, तो ए की पोजीशन 1 है, तो 1 का आप डबल करोगे तो हो गया 2, तो यहाँ पर आएगा बी, इसको हम देख चुके हैं। इसकी बात करेंगे, 8 और 2 10 होता है, तो आप अगेन के को डबल करोगे तो के की होती है 11, तो 22 नंबर पे क्या आता है आपका वी, तो ये तो बिल्कुल सीधा सीधा है। अब इसमें आपको प्लेस वैल्यू जो है वो रटी हुई होनी चाहिए, और रटी हुई नहीं है तो पेपर पे लिख लेना साइड में, ठीक है। एंड सेम 4 और 2 6 होते हैं, 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, देन ओ की वैल्यू क्या होती है, सो ओ की वैल्यू होती है 15, और 15 को आप डबल करोगे तो 30, तो 30 नंबर पे आपका क्या आएगा, 26 माइनस कर दो जेड तक, तो कितना बचा 4, तो अब 4 नंबर पे क्या आता है, ए बी सी एंड डी, तो डी आ जाएगा यहाँ पे। देन आपका 6 7 8 9, 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, देन यू की पोजीशन क्या होती है, सो यू की पोजीशन होती है आपका 21, एंड 21 को अगर आप डबल करोगे तो कितना हो जाता है 42, 26 आप इसमें से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ पे 16, 16 नंबर पे क्या आता है, 16 नंबर पे आता है पी। ओके, तो इस तरीके से आपके जो सेकेंड स्टेप है वो यहाँ पे बताया गया है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट, ये है आपका थर्ड स्टेप। ओके, ये आपका थर्ड सेकेंड स्टेप है, सॉरी ये आपका थर्ड डायग्राम है जो हमने सेकेंड स्टेप से बनाया है, और ये आपका फोर्थ डायग्राम में आ रहा है। देखो मैं दोबारा दिखा देती हूँ इसे, आप कंफ्यूज ना हो। ये आपका फर्स्ट डायग्राम था जो कि आपका सेकेंड में कन्वर्ट हुआ स्टेप 1 से, उसके बाद आपका ये सेकेंड डायग्राम था जो कि थर्ड में कन्वर्ट हुआ स्टेप 2 से, अब आपका ये थर्ड डायग्राम है जो कि कन्वर्ट होगा आपका स्टेप 3 से, कन्वर्ट होगा आपका स्टेप 4 में। अब इन्होंने ये बोल दिया है कि स्टेप 3 इज कोडेड इन सम स्पेशल पैटर्न, अब इन्होंने एक स्पेशल पैटर्न पे इसे कोड करा है, वो कोड अब आपको फाइंड करना है, इन्होंने 2 स्टेप बता दी, तीसरा आपको खुद फाइंड करना है। ओके, देखो लॉजिक तो कई सारे हो सकते हैं, तो बेहतर है कि आप प्रैक्टिस करते रहो, बस यही एक इसका तरीका है, राइट। तो देखते हैं हम लोग कि इन्होंने इसको कैसे रखा है, यहाँ पे हम लोग प्लेस वैल्यू का भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 20 जी और इसको, मतलब इसको पकड़ लेते हैं ऐसे करके, मतलब एक ऊपर वाला ये वाला कॉलम और एक ये वाला कॉलम, सेम हम एक ये वाला कॉलम पकड़ते हैं, ये वाला कॉलम पकड़ते हैं, मतलब 2 कॉलम हम पकड़ के चलते हैं, फिर देखेंगे कि कैसे कैसे इनके बीच में सिमिलैरिटी आ रही है, तो हमें स्टेप फाइंड करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, सो जी की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 7, इसको आप ध्यान रखेंगे, और एन की वैल्यू होती है 14। बी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, बी की होती है 2, एंड एच की क्या होती है, सो एच की होती है आपकी 8। ओके, अब आप देखो ये 20 से 27 कैसे बना, तो 20 में इन्होंने क्या ऐड करा, 7 ऐड करा, अब 7 कैसे ऐड करा, क्योंकि जी की वैल्यू थी 7, तो 20 में इन्होंने 7 ऐड करा, तो कितना आ गया यहाँ पे 27। ओके, अब यही सिमिलैरिटी हम सेकंड वाले में देखते हैं, सो सेकंड वाले में अगर आप सिमिलैरिटी देखोगे तो यहाँ पे एन की वैल्यू थी 14, अगर ये वाला हमारा लॉजिक लग रहा है तो हम क्या करेंगे, 44 में 14 को प्लस करेंगे, और 14 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 58, इसका मतलब आपका सेकंड स्टेप में क्या आना चाहिए, 58 आना चाहिए, जो कि आ रहा है, मतलब ये लॉजिक ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग बी एंड एच पे, तो इन्होंने ये लॉजिक क्या लगाया है इसको देखते हैं, तो बी की प्लेस वैल्यू है 2 एंड इसकी प्लेस वैल्यू है 8, तो अगर आप देखोगे 7 में से 2 माइनस करते हो तो कितना आएगा, 5 आएगा, बी की प्लेस वैल्यू 5 नहीं होती, एंड 8 में से अगर 5 को माइनस करते हो, क्योंकि अगर प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 8 और 5 होगा 13, और प्लेस वैल्यू एच की होती है 8, और अगर माइनस करते हो 3 आएगा, प्लेस वैल्यू जो है तब भी मैच नहीं होगी, लेकिन अगर आप देखोगे तो 2 + 0 कितना होगा आपका 2, ठीक है, तो 2 का क्या करा यहाँ पे बी लिख दिया, 4 + 4 जो हमारा पहले वाले स्टेप में 4 + 4 है, अगर उसे प्लस करोगे, उनके डिजिट प्लस करोगे, कितना हो जाएगा 8, तो यानी कि 8 प्लेस वैल्यू किसकी होगी, एच की, तो इन्होंने इस तरीके से चेंज करा है। अब हम बाकी सब में लॉजिक लगाते हैं यहाँ पे, तो एल की प्लेस वैल्यू क्या होती है, सो एल की प्लेस वैल्यू होती है यहाँ पे 12, ओके, तो 40 + 12 कितना आना चाहिए, 52, तो ये आ रहा है 52। अब यहाँ पे 4 + 0 कितना हो गया, 4 हो गया, तो 4 + 0 हो गया यहाँ पे 4, तो यानी कि यहाँ पे वो वाला अल्फाबेट आएगा जिसकी प्लेस वैल्यू 4 होती है, तो ये आ गया आपका डी। मैं 2 और से बता देती हूँ, बाकी के 3 आप खुद देख लेना, ज्यादा अब जब पैटर्न पता चल गया तो हमें ज्यादा देखने की जरूरत भी नहीं है। 8 और 4 को अगर आप देखोगे, ये है 12, सॉरी ये हो गया आपका 48, एंड बी की प्लेस वैल्यू 2, तो ऐड कर दो कितना हो गया यहाँ पे 50, एंड 8 और 4 हो गया 12, तो यानी कि यहाँ पे जो वो अल्फाबेट आएगा जिसकी प्लेस वैल्यू होती है 12, सो वो होती है आपके एल की। देन आप देखोगे 32 में एन की प्लेस वैल्यू होती है 14, इसे ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 46, जो कि यहाँ पे गिवन है, एंड 3 और 4 एंड 5 यानी कि 3 + 2 करोगे कितना हो जाएगा आपका 5, तो 5 जो होता है प्लेस वैल्यू है आपके ई की। ओके, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे सॉल्व हो गया, या फिर आपका पैटर्न जो है वो ये बन के आएगा। इसका एक तरीका ये है कि आप
अपना स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री को लिख सकते हो एक जगह अपनी पेज पे, ताकि आप लोगों को वहां पे प्रॉब्लम ना आए. फिर गिवन है, एज पर द रूल्स फॉलोड इन द अबव स्टेप, फाइंड आउट द अप्रोप्रिएट स्टेप फॉर द गिवन इनपुट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन. अब आपको क्या करना है कि आपको अभी क्वेश्चन दे दिया गया है, जैसे आपको मशीन इनपुट में गिवन होता है वैसे आपको क्वेश्चन दे दिया गया है. अब आपको फाइंड करना है कि आगे जो क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स देने होंगे. ओके ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर. आपको पूरा ऐसा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. ऐसा नहीं है कि आप ये जो फर्स्ट डायग्राम है स्टेप वन का यूज करके सेकंड डायग्राम बनाएंगे, फिर आप सेकंड स्टेप से थर्ड डायग्राम बनाएंगे, और फिर आप थर्ड स्टेप से फोर्थ डायग्राम बनाएंगे. ऐसा करने की जरूरत नहीं है. जिसका पूछा जाए बस उसको चेंज करो स्टेप वन टू थ्री के अकॉर्डिंग. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि विच एलिमेंट कम्स इन स्टेप वन इन सेकेंड कॉलम एंड फर्स्ट रो. तो स्टेप वन के अकॉर्डिंग आपका सेकेंड कॉलम जो है फर्स्ट रो में वहां पे कौन सा एलिमेंट आएगा. सो फर्स्ट रो इज हेयर, सेकेंड इज हेयर एंड थर्ड इज हेयर. ओके तो यहाँ पे आप देखोगे सेकेंड कॉलम कौन सा है, तो सेकेंड कॉलम है आपका ये वाला. तो आपको 41B को चेंज करना है फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग. तो फर्स्ट स्टेप अगर आप देखोगे तो फर्स्ट स्टेप क्या था कि आपको सम करना था और 4 से मल्टीप्लाई करना था. तो ये तो बहुत ईजी था, आप इसको ऐसे कर सकते हो. यहाँ पे 4 और 1 5 कितना हो गया, 4 और 1 हो गया, यहाँ पे 5, 5 की 4 से मल्टीप्लाई हो गया 20. आंसर क्या होगा यहाँ पे, 20B ऑप्शन नंबर 1 होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर. देन मूव करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पर. सो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि विच एलिमेंट कम्स इन स्टेप टू इन थर्ड कॉलम एंड थर्ड रो. आपका जो थर्ड रो है 1 2 3, इसका जो थर्ड कॉलम है 1 2 एंड 3, यानी कि ये वाला, इसका सेकेंड स्टेप में क्या आएगा वो आपको बताना है. सो सेकेंड स्टेप में लाने के लिए पहले आपको फर्स्ट स्टेप में चेंज करना होगा. तो फर्स्ट स्टेप तो अब आपको रट गया होगा कि आपको प्लस करना है एंड मल्टीप्लाई बाय 4 करना है. सो 1 एंड 1 इज इक्वल टू 2, एंड 2 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 8. तो आपका जो फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग है वो क्या आएगा, 80. अब आप चेंज करोगे इसे सेकेंड स्टेप में. तो सेकेंड स्टेप में चेंज करने के लिए आपको क्या करना था कि इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज बॉक्स इज अ प्राइम नंबर. तो आप देखोगे यहाँ पे जो 8 आया है ये प्राइम नंबर तो है नहीं. अब प्राइम नंबर नहीं है तो सेकंड कंडीशन क्या थी कि हमें जो भी आपका अल्फाबेट था उसको क्या करना था, डबल करना था. ओके एंड डबल पे फिर जिसकी जो अल्फाबेट आएगा, डबल करने के बाद उस पोजीशन पे जो अल्फाबेट आएगा वो यहां पे हमें एज आंसर लिखना था. मतलब यहां पे आपको इस नंबर की पोजीशन चेंज नहीं करनी है, अल्फाबेट की पोजीशन जो है वो चेंज करनी है. तो यहां पे 8 तो ऐसे ही रहेगा, तो आंसर या तो ए होगा या बी होगा, ये तो होगा नहीं. ओके नन ऑफ दीस भी हो सकता है. ओके अब टी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, सो टी की प्लेस वैल्यू होती है 20. तो 20 का डबल 40. अब आप देखो 40 जो है अल्फाबेट के अकॉर्डिंग 40 की नंबर पे कौन सा आएगा. तो 40 के नंबर पे कैसे आएंगे, हमने पीछे क्या देखा था कि वो लोग क्या कर रहे थे, देखो 26 तक अल्फाबेट है. तो 26 से आगे जब चल रहे थे तो वो क्या कर रहे थे, 26 को माइनस कर रहे थे. तो आप 26 को यहाँ माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 14. एंड 14 नंबर जो होता है वो किसका होता है यहाँ पे, तो ये तो रटा होगा आपको, 14 नंबर होता है n का. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, 8n. सो ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर. ओके मूव करते हैं नेक्स्ट पे. गिवन है विच एलिमेंट कम्स इन द फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो ऑफ द मैट्रिक्स इन स्टेप 3. तब आपको बताना है स्टेप 3 में आपका क्या आएगा, किस कॉलम और किस रो में, आपका सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम में. सो ये है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. तो इसका फर्स्ट कॉलम ये है, सेकेंड ये एंड थर्ड ये. तो ये क्या है, 76F. अब 76F को आपको कैसे बदलना है, फर्स्ट स्टेप में, फिर देन सेकेंड स्टेप में एंड देन थर्ड स्टेप में. तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना था, हमें इसे ऐड करना था. तो ऐड करोगे 6 और 6 12, 12 और 1 13. ठीक है, तो 13 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो. तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 52. तो फर्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा आपका, 52F. अब आपको क्या करना था, आपका सेकेंड स्टेप क्या था कि अगर इन दोनों का टोटल प्राइम नंबर होता है तो आपको उतना आगे बढ़ जाना है, और अगर प्राइम नंबर नहीं होता है तो इसकी पोजीशन को डबल करके आपको अल्फाबेट को लिखना है. तो आप देखोगे 5 और 5 6 7, तो यहाँ पे कितना हो गया आपका, इसका टोटल हो गया 7. अब 7 इज अ प्राइम नंबर, देन आप एफ से लेकर 7 तक काउंट करोगे. तो आप एफ से लेकर 7 तक काउंट करो, तो ई एफ के बाद क्या आता है आपका, जी एच आई जे के एल एंड एम. तो यहाँ पे सेकेंड स्टेप पे क्या होगा, 52M. अब आपका थर्ड जो था लॉजिक वो क्या था, थर्ड लॉजिक आपका कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे आप दोबारा भी देख सकते हो.
एक्चुअली हमने पीछे करा था, चलिए मैं ही बता देती हूँ। आपका थर्ड जो लॉजिक था वो ये था, आपको नंबर को कैसे चेंज करना था, नंबर को ऐसे करना था कि 52 जो लिखा है इसमें आपको एम की जो पोजीशन है या फिर जो अल्फाबेट लिखा है इसकी जो पोजीशन होगी इसे ऐड करना था। तो आप देखोगे एम की पोजीशन क्या होती है, सो एम की पोजीशन होती है 13, ओके, एंड इसको अगर आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 65। तो यानी कि आपका जो नंबर है वो क्या होगा, 65। एंड आपको जो अल्फाबेट फाइंड करना था वो कैसे करना था कि आपको इन दोनों का टोटल करना है, और टोटल करने के बाद आपको यहाँ पे उस प्लेस वैल्यू पे जो अल्फाबेट आएगा उसे लिखना है। जैसे कि आप देखोगे 5 और 2 कितना हो गया यहाँ पे 7, तो 7 जो होती है प्लेस वैल्यू किसकी होती है, तो 7 होती है जी की, तो यहाँ पर आ जाएगा जी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर 65G, वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो 3 क्वेश्चंस थे यहाँ पे आपके प्रैक्टिस मार्क में, मैंने तीनों ही सॉल्व करा दिए ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, लेकिन एज अ होमवर्क मैंने लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन दिया है, उसे आप जरूर अटेम्प्ट करोगे। क्वेश्चन मैंने हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में रखा है, सो आप जो भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज को अटेम्प्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन इंग्लिश में है, आप इसे प्लीज एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको एक बार ध्यान से वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए और फिर कॉमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। एंड हिंदी वालों के लिए यहाँ पे है, हिंदी वालों के लिए, तो प्लीज़ आप लोग भी इसको अटेम्प्ट करिए एंड अटेम्प्ट करने के बाद अपना जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है, ये क्वेश्चन भी मैंने प्रैक्टिस मॉक से ही पिक करा है, तो ऐसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करने के लिए जो फॉलो करिए www.practicemock.com पर, और उसको विजिट करते रहिए एंड क्वेश्चंस को अच्छे लेवल के जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करते रहिए। इसी के संग हम लोग दी एंड करते हैं सेशन का, एंड पूरी जो प्लेलिस्ट है मेंस की वो क्रिएट हो रही है, तो इसे आप इजीली यहाँ पे जाके देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आपकी एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट है जिसको जाके आप व्यू कर सकते हैं। इसी के संग आपके जीए के भी लगातार लेक्चर्स चल रहे हैं, तो उन वीडियोस को भी आप रेगुलर फॉलो करिए। अगर आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलता है डेली, तो उसके लिए आप चैनल को विजिट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।